नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष लाल, सीनियर कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर लाल 2020 आई केयर गुड़गांव। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीआरके क्या होता है। दोस्तों, पीआरके यानी फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी, इसमें हम कॉर्निया के ऊपर से एपिथीलियम को हटाते हैं और लेसिक लेजर लगाकर कॉर्निया का मतलब चश्मे का नंबर हटा देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पीआरके और लेसिक में फर्क क्या है। सर, लेसिक में हम कॉर्निया में एक फ्लैप काटते हैं, फ्लैप हटाते हैं, लेजर लगाते हैं और उसके बाद फ्लैप लगा देते हैं। पीआरके में हम सिर्फ ऊपर का स्किन हटाया, लेजर लगाया और आपका काम खत्म। एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं, ये एपिथीलियम धीरे धीरे अपने आप बन जाता है, इसे पीआरके कहते हैं। अब वाई पीआरके, पीआरके के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ये है कि जब हम कॉर्निया को नहीं काटना चाहते, यानी हम फ्लैप नहीं बनाना चाहते। अब हम फ्लैप क्यों नहीं बनाना चाहते? अगर आपका कॉर्निया पहले से ही पतला है तो हम उसको फ्लैप बना के उसे और थिन नहीं करना चाहते, उसकी स्टेबिलिटी और कम नहीं करना चाहते। तो जिन कॉर्नियाज में ताकत कम है, जिनकी बायोमैकेनिकल स्टेबिलिटी कम है, जिनकी थिकनेस कम है, उन केसेस में पीआरके बहुत ही कामयाब प्रोसीजर है। ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, मतलब इसमें प्रॉब्लम आने का चांस ऑलमोस्ट क्लोज टू निल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पीआरके की और एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि क्योंकि हमने फ्लैप नहीं बनाया है, इसलिए ये बहुत अच्छा है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वाले लोगों का, आर्म फोर्सेस वाले लोगों का, जो चाहते हैं कि कभी भी उनको चोट लगे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, ये ड्राई आई बहुत ही मिनिमल करता है, ना के बराबर ड्राई आई होती है। तीसरा, क्योंकि हमने कॉर्निया को काटा नहीं है तो इसकी बायोमैकेनिकल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है, इसके चांसेस ऑफ कॉर्नियल थिनिंग बहुत ही कम है। दोस्तों, अगर आप बोलोगे कि मैं इतनी एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, तो कहाँ डिसएडवांटेज है, क्यों हम पीआरके रोज नहीं करते? दोस्तों, हर चीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है, क्योंकि हमने एपिथीलियम हटाया है और हमने एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस रख दिया है, तो पहले 3-4 दिन आदमी को थोड़ा सा दर्द रहता है, थोड़ा सा परेशान रहता है, थोड़ा सा पानी आता है, वाटरी आई होती है, थोड़ी सी रेड आई होती है। ये वाला प्रोसेस जो जैसे ही एपिथीलियम बनता है तो 3-4 दिन में ये सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और हम कॉन्टैक्ट लेंस को हटा देते हैं। दोस्तों, इसमें 99% विजन आपकी 3-4 दिन में आ जाती है, लेकिन जब हम कहते हैं ना 105% विजन, यानी बढ़िया वाव फिनोमेना, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी होती है, क्योंकि एपिथीलियम की रीमॉडलिंग होते होते 3-6 हफ्ते लग जाते हैं। तो पीआरके एक बहुत बढ़िया प्रोसीजर है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी है कि भाई मेरी जो एपिथीलियम की रीमॉडलिंग फिनिश होगी, इसमें 3 हफ्ते लगेंगे और मुझे 3 हफ्ते बाद वो क्वालिटी मिलेगी जो फेमटो में मिलेगी, लेकिन ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। तो अगर आपका डॉक्टर आपको पीआरके के लिए सजेस्ट कर रहा है तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, पीआरके एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है पहले 2-3 हफ्ते। तो फाइनली आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि पीआरके और लेसिक में क्या फर्क है। आप अपना टेस्ट कराइए, अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, और अगर डॉक्टर आपको पीआरके के बारे में कहता है और कहता है कि पीआरके आपके लिए सूटेबल है, तो ये एक्चुअली में आपके लिए एक सेफ्टी प्रोसीजर है, एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा 3 हफ्ते पेशेंस रखना है, तभी आपकी क्वालिटी, एक बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया क्वांटिटी ऑफ विजन आएगी। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए आते रहेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस से, एजुकेशनल वीडियोस से, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर डिजीज एंड टेक अ गुड डिसीजन फॉर योर सर्जरी। थैंक यू वेरी मच।